शाहीन भरेंगे उड़ान या भारतीय सूरमा मारेंगे मैदान। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आज 2:30 बजे टकराएंगे। कैंडी का पाले किले स्टेडियम सज गया। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख दोहराने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ाने को तैयार। शाहीन शाफरीदी कौमी टीम की है जान तो हारिस रऊफ और नसीम शाह पर है सबको मान। शादाब भी गुगली से करेंगे भारतीय बल्लेबाजों को परेशान। कप्तान बाबर आजम रिजवान और इफ्तखार भी करेंगे चौके छक्कों से वार। रोहित 11 के पास भी कोहली शमन गुल और सूर्या कुमार बैटिंग के हथियार। क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी मैच के दौरान बारिश के इम्कान भी कम हो गए। बड़े मैच के लिए बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब। मैच के लिए कौमी टीम का स्क्वाड बरकरार। कप्तान बाबर आजम नायब कप्तान शादाब खान फकर जमान इमामुल हक सलमान अलियागा इफ्तिखार अहमद मोहम्मद रिजवान मोहम्मद नवाज नसीम शाह शाहीन शाफरीदी हारिस रऊफ एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे में इन एक्शन होंगे। कप्तान बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा विराट कोहली उम्र में बड़े हैं इसलिए इनकी इज्जत करता हूं। 2019 में भारतीय स्टार बल्लेबाज से मुलाकात हुई कोहली से बहुत कुछ सीखने को मिला। मिकी आर्थर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को समझते हैं। टीम में 8 से 9 वही खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। शाहीन शाफरीदी एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरअज़्म कहते हैं बतौर टीम तैयारी अच्छी है। श्रीलंका की फ्लैट विकेट स्पिनर्स के लिए अच्छी है। श्रीलंका में खेल चुके हैं इसलिए पिचेस और कंडीशन से वाकिफ हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को मुश्किल टीम करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम तमाम फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेल रही है। मैच आसान नहीं होगा। तजुर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना होगा। हमारे लिए पाकिस्तानी टीम बाकी तमाम टीमों की तरह है। हार जीत खेल का हिस्सा है। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। मई तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर में हासिली माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। साइफर केस में भी साबिक वजीर खारजा की दरख्वास्त जमानत पर ऑन कैमरा समात। प्रोसिक्यूटर पीटीआई लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराजात। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक दरख्वास्त जमानत पर समात पीर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समात 4 सितम्बर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही अटक जेल मुंतकिल। 15 दिन नजरबंद रखने के अहकाम जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें केनाल रोड पर जहूर इलाही हाउस के करीब से दोबारा हिरासत में लिया। डेप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नजरबंदी के अहकाम जारी किए। हुक्मनामे में कहा गया है कि परवेज इलाही को आज़ाद छोड़ा गया तो वो कारकुनों को बदअमनी पर उकसा सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही अमनोमा की सूरत हाल को नुकसान पहुँचाने में मुलविस रहे। माजी में भी पीटीआई के कारकुनान अमनोमा की सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुँचा चुके। थाना बारा कहूं में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इमान मजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया सेक्रेटरी आईजी डीजीएफआई इमान मजारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। सेक्रेटरी आईजी एफआईए यकीनी बनाए इमान मजारी को इस्लामाबाद के हदूद से बाहर न लेकर जाया जाए। इलेक्शन कमीशन का हल्का बनिया 30 नवंबर को मुकम्मल करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। सूबों ने इलेक्शन कमीशन को 11 से 25 फरवरी के दरमियान इलेक्शन कराने की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन के इलामे के मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बनिया मुकम्मल करने का दुरानिया मजीद कम कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास आम इंतखाबात शेड्यूल के ऐलान और दीगर अहम उमूर पर गौर। हल्का बंदियों के दुरानियों को कम करने का मकसद फौरी इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियों की अशात 14 दिसंबर को होना थी। सीटीडी की कोयटा में बड़ी कार्रवाई। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक 3 फरार हो गए।
तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल घर से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। ऑपरेशन के बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ आज मुल्कगीर हड़ताल, ताजरों का भी शटर डाउन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत की आवाम कुछ पॉलिसियों नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है आवाम पर IMF की मुसलत करदा महंगाई गैर कानूनी गैर आइनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातब बेफिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें। कराची में बिजली के इजाफी बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मुश्तिल अफराद ने टायर जलाए। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद कायदाबाद पटेल पाड़ा के करीब जलाओ घिराओ। सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुलशन हदीद से चलने वाली रेड बस सर्विस भी मुअत्तल। नेशनल हाईवे पर मौजूद दुकानें और होटल बंद कर दिए गए। कायदाबाद में महंगाई के खिलाफ आवाम सड़कों पर, इलाके की दुकानें बंद। बिजली बिलों में रिलीफ का फैसला आज सामने आ जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां मुतय्यन हैं। हमारे हर इकदाम का महवर मुल्क का बेहतरीन मुफाद होगा। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा इस पर इंतखाबात के नकाद को यकीनी बनाएंगे, मुआवनत करेंगे। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG की कीमत में 39 रुपए का इजाफा। LPG की नई कीमत 240 रुपए 12 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11 किलो का घरेलू सिलेंडर 449 रुपए महंगा होकर 2833 रुपए का हो गया। महंगाई में मजीद इजाफा 27% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 किलो गंदम का आटा 2600 से बढ़ाकर 3200, जिंदा ब्रॉयलर चिकन की कीमत 358 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए फी किलो। चाय 96%, आलू 60%, चावल 67% महंगे, टमाटर 23%, खुला दूध 29%, मशरूबात 46% महंगे हुए। तरक्की को तनजली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद हैं। मरियम नवाज ने कहा महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। गुज़श्ता 4 साल की बर्बादी को दोबारा खुशहाली में तब्दील करने का हमारा आज़्म जिंदा है। आज के चैलेंजेस का इसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। बहरिया के जहाजों PNS हिम्मत, दहशत और मुहाफिज का इराक की बंदरगाह मिस्र का दौरा। मेजबान बहरिया के अफसरान और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाक बहरिया के फ्लोटेला का भरपूर इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के मिशन कमांडर की इराक के बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें। मुलाकातों के दौरान बामी दिलचस्पी के अमूर बशमूर दो तरफा बहरी तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के जहाजों ने इराकी बहरिया के हमरा मुश्तरका बहरी मश्क में शिरकत की। ठट्ठा में पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जहां बहाग, 3 जख्मी। सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले मुकामी माहिगीर थे। मेलसी में 35 साल बाद तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों ने तबाही बर्पा कर दी। मेलसी के इलाकों झोंक फाजिल, झोंक जिंदो के हजारों अफराद बेघर, मवेशी बह गए, दर्जनों घर जमीन बोस हो गए, कीमती सामान पानी में बह गया, सड़कें जेरे आब, देहातों का जमीनी राबता मुनकता, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी धान, मकई, कपल की फसलें तमाम तबाह हो गयी। सैलाबी पानी से तबाह हुई खेतों और गुजरगाहों में 6 से 7 फीट सैलाबी पानी जमा है। स्कूल, बुनियादी मरकजी सेहत, दीगर इमारत भी मुकम्मल पानी में डूब गयी। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ की मुंतजर। बालाई खैबर पख्तूनख्वा खिता पोठवार और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में मतला जुजवी अबर आलूद रहने, जबकि चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स भिट शाह में शुरू। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। निगरान वजीर आला सिंध कहते हैं, भिटाई सरकार दुनिया की भलाई और खुशहाली के ख्वाहां थे। हमें नफरतों के खात्मे के लिए शाह साई के पैगाम को आम करना होगा।